हे दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप यूपी पीएससी पीसीएस के लिए तैयारी करते हो तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपके लिए प्री एग्जामिनेशन का फॉर्म ले आया है जो कि 2021 का है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश प्री 2021 ऑनलाइन फॉर्म जो कि फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। कैसे, कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, कब से स्टार्ट होगा, फ़ी कितनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 100 डिटेल है जो नोटिफिकेशन आया है। अगर आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स। दोस्तों, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो 5 फेब 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट डेट है जो अप्लाई ऑनलाइन का, वो है 2 मार्च 2021। और फी जो है आप पेमेंट कर सकते हो 2 मार्च 2021 तक ही। लास्ट डेट ऑफ कंप्लीट फॉर्म आपको कंप्लीट करने का मौका 5 मार्च तक का दिया जा रहा है, जो कि 2021 में 5 मार्च तक रहेगा, मतलब 05/03/2021। प्री एग्ज़ाम का डेट है लगभग, अगर बात की जाए प्री एग्ज़ाम के डेट की, तो दोस्तों ये 13 जून 2021 में होगा। जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वो भी आपका जून में ही हो जाएगा। तो सब हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो सिंपली जैसा कि हमेशा की तरह जनरल ओबीसी के लिए 125 रुपीज़ रखा गया है, और एससी एसटी के लिए 65 रुपीज़, और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपीज़। आपको ये जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन SBI मॉप्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और ई चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 21 ईयर्स हमेशा की तरह, और मैक्सिमम 40 ईयर्स। आपका जो एज रहना चाहिए वो लगभग 07/1981 से लेके 01/07/2000 तक के बीच में रहना चाहिए। और बहुत सारे एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे वायदे किए गए हैं, जो कि आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों बात करी जाए तो वैकेंसी डिटेल, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टोटल पोस्ट है 400, जिसमें पोस्ट नेम क्या है, कंबाइंड अपर सुबर्डिनेट सर्विस UPPSC प्री 2021। टोटल पोस्ट 400 है। एलिजिबिलिटी दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब आप ग्रेजुएशन किए रहने होने चाहिए भारत के किसी भी सम्मानित यूनिवर्सिटी से। और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको देखने को मिलेगी फिजिकल एलिजिबिलिटी। कैटेगरी मेल और फीमेल में आप देख सकते हो, DSP डिस्ट्रिक्ट कमांडेड होम गार्ड के लिए हाइट मेल के लिए 165 ऑल कैटेगरी, और ST में 160 फीमेल के लिए, 152 ST में, 147। इसी तरीके से चेस्ट वगैरह आप देख सकते हो, मेल के लिए 84-89, फीमेल के लिए कुछ नहीं है, ST के लिए 79-84 है। सुपरिटेंडेंट जेल हाइट 168, फीमेल के लिए कुछ नहीं है। चेस्ट वगैरह वगैरह आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, अगर आपको और भी ज़्यादा देखना है तो वगैरह। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अब हम लोग पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, फर्स्ट है पोस्ट सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, इसमें बैचलर डिग्री इन लॉ मांगा है। सेकंड है डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी एसोसिएट DIOS एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसमें मास्टर डिग्री मांगा है आपका किसी भी स्ट्रीम में। जो थर्ड है आप देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रिवेन्यू ऑफिसर, इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। फोर्थ है दोस्तों असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट, इसमें आपका ये ग्रेड वन और ग्रेड टू दोनों का ही है, इसमें आपको बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। नंबर फिफ्थ की बात की जाए तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री इन आर्ट विथ सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट और कॉमर्स लॉ, ये आपका रिक्वायरमेंट है इसके लिए। नंबर सिक्स में आप देख सकते हो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट
प्रोग्राम ऑफिसर का पोस्ट है जिसमें बैचलर डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल साइंस और होम साइंस और सोशल वर्क, इन सब में से किसी भी में आपका स्टडी होना चाहिए बैचलर डिग्री का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 7 नंबर, तो सीनियर लेक्चरर DIET, इसमें आपका मास्टर्स डिग्री मांगा है जिसमें आपको BEd भी कंपलसरी कर दिया गया है। नंबर 8 मैं आपको बताना चाहूँ तो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर का है जिसमें मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और सोशल वर्क एनी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ सोशल वर्क, इस पोस्ट के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी एजुकेशन में। नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बैचलर डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होम साइंस और क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू, इसके लिए आपको इन सभी में से किसी भी में भी आपका एजुकेशन रहना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बस इतना इम्पॉर्टेंट है। नंबर 10 में देखते हैं तो डिजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें दोस्तों आपका जो रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट या बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस और वेटरिनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन। नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पोस्ट है जिसमें मास्टर डिग्री मांगा है आपका मैथमेटिक्स में या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिक्स और एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12 का, तो डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर UP एग्रीकल्चर सुपरवाइज ग्रुप B डेवलपमेंट ब्रांच, इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर का रिक्वायरमेंट है। नंबर 13 देखते हैं तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसमें आपको दोस्तों सिंपली बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन / लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इनके कहने का मतलब आपके पास इन सब में से कुछ भी हो तो आप इसके लिए पूरी तरीके से सक्षम हो इस पद के लिए। नेक्स्ट नंबर 14 देखते हैं, तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेजेस फॉर बॉयज़ और गर्ल्स, जिसमें आपको मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट, LT डिप्लोमा और BTC और BEd मांगा है और 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेस। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री इसके लिए। नंबर 16, तो असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ये आता है आपका, जिसमें बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर आपको चाहिए ही चाहिए। नंबर 17 देखते हैं, तो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल, जिसमें आपको MBA मांगा है और इक्विवेलेंट डिग्री रहना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर परचेस ऑफिसर, इसमें भी MBA की डिग्री आपकी लगेगी। 19 देखते हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री की फील्ड में, तो मास्टर डिग्री इसमें मांगी है वो भी केमिस्ट्री में विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, इसमें आपका रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से दोस्तों आप ये देख सकते हो अलग अलग पोस्ट हैं। अब लास्ट है दोस्तों कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, तो हाउ टू फिल फॉर्म, सिंपली आपको दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप UPSC की साइट पर डायरेक्ट चले जाओगे और वहाँ पर लिंक जो है कल की डेट में एक्टिवेट हो जाएगा और अपना आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 5 February टू 2 March, इस डेट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन UPSC अप्लाई ऑनलाइन फॉर pre-2021। आप इसके लिए नोटिफिकेशन पहले पढ़ सकते हो, अप्लाई करने से पहले ही आपके लिए अच्छा होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। काइंडली चेक द कॉलेज द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस, बेसिक डिटेल, आपको इन सभी चीज़ों को लेकर रखना होगा जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो, और वगैरह वगैरह इन सभी चीज़ें से आप पढ़ सकते हो जो कि नोटिफिकेशन में दिया और यहाँ भी दिया, आप देख सकते हो। और लास्ट में सिंपली आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद जब सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब उसका प्रिंट आउट ले सकते हो या अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में उसका प्रिंट आउट लिए बिना आप PDF में सेव करके रख सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट पोस्ट रिजल्ट्स और भी NTPC रेलवे से रिलेटेड या किसी भी SSC से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ पे हम आपको रिजल्ट, लेटेस्ट वैकेंसी डिटेल के बारे में अपडेट करा देते हैं। दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।